हेलो क्लास एट बेटा, आज हेलो इंग्लिश का लेसन थ्री, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। और क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सब जा चुका है, लेकिन बिना स्टोरी समझे लर्न करना मुश्किल है। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी स्टोरी है और कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको इससे मिलेगा। इसमें एक्चुअली स्टोरी है, ये रिलेटेड है नारद जी और कृष्ण जी से। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, बहुत से पौराणिक कथाएं टीवी के माध्यम से भी आप वॉच करते हैं, तो नारद के बारे में इतना तो आप लोगों को पता है कि ऋषि थे, बल्कि महर्षि कहते हैं लोग, महर्षि नारद। तो उनके लिए वही दिया है कि नारद वॉज अ सेज, सेज यानी साधु ऋषि। तो अभी ये भी यंग एज के थे, उस समय की बात है। और गॉड यानी जानते ही हैं आप, गॉड के प्रति पूर्ण समर्पित थी और अच्छा अध्ययन किया था उन्होंने, धार्मिक पुस्तकों का, होली बुक्स का बढ़िया अध्ययन किया था इन्होंने, स्टडी की थी उसकी। तो उस समय एक शब्द आया, माया। इस माया वर्ड की मीनिंग इनको समझ में नहीं आ रही है कि व्हाट इज माया, माया क्या। इसके लिए इन्होंने बहुत सी बुक्स स्टडी की, बार बार स्टडी किया, बट इसका आंसर ये ढूंढ ही नहीं पा रहे थे व्हाट इज माया। तो अब इनके माइंड में आया कि कौन बता सकता है, तो इनको लगा कि मैं कृष्ण जी के पास जाऊं, श्री कृष्ण भगवान के पास जाऊं, तो वो मुझे इसका जवाब दे सकते हैं, ये जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं मुझे कि व्हाट इज माया। गए श्री कृष्ण जी के पास नारद जी, बड़ा ही स्वागत किया, हार्दिक स्वागत किया इनका, हृदय से स्वागत किया श्री कृष्ण जी ने, और कहा कि भाई नारद जी आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हुई, गले लगाए इनको और कहे कि लेकिन बेटा देखिए इसमें संबोधन क्या है, बट माई चाइल्ड, इसीलिए मैं बेटा शब्द का यूज कर रही हूँ। उन्होंने कहा लेकिन बेटा ऐसा लगता है आपको देखकर आप कुछ बेचैन हैं, दिया है यू आर नॉट एट पीस, यानी आपका मन शांत नहीं है, कुछ बेचैनी है आपको, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, क्यों परेशान है। तो बताया इन्होंने नारद जी, कहा कि प्लीज आप एक्सप्लेन करिए व्हाट इज माया, दिखाइए मुझे माया क्या है। हंसे कृष्ण जी और बोले कि बस यही समस्या है तुम्हारी, चलो ठीक है, निश्चित रूप से तुम्हें माया क्या है इसका ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अभी तुम थके हुए हो, चलो आराम करो और कुछ दिन रुको मेरे यहां। नारद जी प्रसन्न कि भाई कृष्ण जी ने रहने का आदेश दिया है, और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि श्री कृष्ण भगवान के साथ समय बिताने का मुझे अवसर मिलेगा। एक दिन श्री कृष्ण भगवान ने कहा इनसे, नारद चलो कहीं घूमने चलते,
गए लोग दोनों लोग घूमने, ठीक प्यास लगी रास्ते में टहल के, तो कृष्ण भगवान ने कहा नारद जी से, नारद भाई कहीं से जल की व्यवस्था करो, आई एम फीलिंग थर्स्टी। नारद जी बोले बिल्कुल बिल्कुल ऑफ कोर्स, अभी तुरंत मैं व्यवस्था करता हूँ। गए तो गांव था और कई घर थे, उसमें एक घर में गए और वहां इन्होंने दरवाजा नॉक किया। दरवाजा नॉक किया इन्होंने, एक लड़की ने दरवाजा खोला। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि नारद जी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उसने पूछा मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो ये इतने सम्मोहित हो गए थे उसको देखकर कि ये बता ही नहीं पाया कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों आया हूं यहां पर, आने का पर्पज ही भूल गए। ये भी भूल गए कि कृष्ण भगवान वहां वेट कर रहे हैं और मैं पानी की तलाश में आया हूं। अब ये सोचने लगे कि यदि इस युवती से मेरा विवाह हो जाता तो मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हो जाता। तब तक वो लड़की अंदर गई और उसने अपने पिता को भेजा। इन जनरल नहीं होता था, बच्चे गेट खोल देते हैं, बैठा देते हैं गेस्ट को और घर से घर में से मम्मी पापा जो उनको भेजते हैं। उस युवती ने भी यही किया तो उसके बुजुर्ग पिताजी आए, उन्होंने नारद जी का अभिवादन किया और जान ही रहे कि बहुत बड़े ऋषि हैं। उन्होंने कहा कि बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गरीब के घर में आप आए हैं, मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं आपको मेहमान के रूप में पाकर। आप यहां रहिए जब तक चाहे तब तक। अब नारद जी तुम्हारे पसंद रहने लगे वहां पर। एक दिन इन्होंने पूछा उस युवती से कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, तो युवती ने कहा ठीक है कि मेरे पिताजी सहमत होंगे तो विवाह हो जाएगा। ये भी बात सही। अब नारद जी ने बड़ी हिम्मत करके बड़े ही संकोच के साथ युवती के पिताजी से पूछा कि क्या आप इसका विवाह मुझसे करेंगे। इतने बड़े ऋषि और वो एक गरीब परिवार, कैसे इनकार करते हो। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है कर दूंगा मैं विवाह, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि विवाह के पश्चात आपको यही रहना होगा। तो बात तो ठीक है, विवाह हो गया। बढ़िया दिन देखकर विवाह हो गया, दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से रहने लगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सुखी थे वो। दो बच्चे भी इन लोग के हुए और चूंकि जो जिस युवती से विवाह हुआ था तो वही पिता के पास जो भी प्रॉपर्टी थी, उनकी मृत्यु के पश्चात सब प्रॉपर्टी इन्हीं के हाथ में आई, खेत पशु जो भी था ये अपना वही काम खेती बाड़ी अपना देखते थे, पशु भी थे उनकी भी देखभाल ये लोग करते थे, अपना आनंद से खाते रहते थे, पालन पोषण बच्चों का हो रहा था। एक दिन रात को जब ये लोग सोए थे, जैसे कि बादल के गरजने की आवाज हुई, जगे नारद जी चौंक के। उन्होंने देखा कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो घर में हूं सेफ हूं, कोई टेंशन नहीं।
लेकिन बहुत देर तक आराम से नहीं सो पाए। इतनी बारिश हो रही थी कि बाढ़ आ गई और नदी जो है वो किनारों को तोड़ करके अपना गांव में पानी घुस गया, घर गिरने लगे, मनुष्य जानवर जो भी थे वो बहने लगे, उसी में डूबने लगे। अरे ये इनकी भी नींद खुली बाहर की चीख वगैरह सुन करके। तो ईश्वर से प्रार्थना करने की, हे ईश्वर मेरे घर को बचा देना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पानी इनके घर में भी घुसा। ठीक, अब ये कैसे बचाव करें? एक हाथ से अपने हाथ पकड़े, दूसरे हाथ से एक बच्चे का हाथ पकड़े और एक बच्चे को कंधे पर बिठा लिया और अब बाहर निकल रहे हैं कहीं कि कहीं सुरक्षित स्थान पे चलूं। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद ऐसा हुआ कि जो कंधे पर जो बच्चा बैठा था वो गिर पड़ा, बह गया। कितनी भी कोशिश किए बचा नहीं पाए। दूसरे बच्चे का जो हाथ पकड़े वो भी छूट गया, वो बच्चा भी बह गया। पत्नी को पकड़े हैं लेकिन थोड़ी समय बाद वो भी हाथ छूट गया। इनके आंखों के सामने दोनों बच्चे और पत्नी बह गए। अब ये केवल विलाप कर रहे हैं, कह रहे कि हे ईश्वर मैंने क्या गलती की जिसकी इतनी बड़ी सजा आप मुझे दे रहे हैं। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जब मेरे परिवार के सभी लोगों का अंत हो ही गया तो हे ईश्वर मेरा भी अंत कर दीजिए। जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना की, एक चीज और, ईश्वर को उन्होंने क्रूएल कहा, ओ क्रूएल वन, हे निष्ठुर देवता, निष्ठुर भगवान, आप मेरी भी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए, मेरे भी प्राण ले लीजिए। तब तक इनको पीछे से आवाज सुनाई दी, मधुर आवाज। आवाज ने क्या पूछा? माय चाइल्ड वेयर इज द वॉटर, मेरे बच्चे पानी कहाँ है? तुम तो पानी लाने गए थे ना, आधा घंटा हो गया मैं पानी का वेट कर रहा हूं और तुम पानी लेकर आए नहीं। ये नारद कह रहे हैं आधा घंटा, अरे मैंने तो जीवन के 12 वर्ष वहां बिता दिए, विवाह हुआ, बच्चे हुए, 12 वर्ष बीत गए और ये भगवान कह रहे कि आधा घंटा पहले मैं पानी की तलाश में गया हूं। कौन कह रहा है ऐसी बात? देखिए समझ में तो आया कोई कह रहा है, अब कौन कह रहा है? तो देख रहे हैं तो श्री कृष्ण भगवान खड़े, उन्हीं के लिए तो पानी लाने गए थे। तो वो कह रहे अरे भाई आधा घंटा हो गया मैं तो वेट कर रहा हूं कि तुम पानी लाओगे। अब इन्होंने वही कहा कि भगवान 12 वर्ष बीत गए और आप कह रहे हैं कि आधा घंटा, और देखिए ना क्या क्या हो गया मेरे साथ जीवन में, खुशियां आई कैसे चली गई, मेरे बच्चे डूब गए, मेरी पत्नी डूब गई, ये कष्ट मुझे हुआ, अब इसीलिए मैं जीना भी नहीं चाहता। तब कृष्ण भगवान वही बोले कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ ना, तुम्हें तकलीफ हुई, यही माया है, इसी को माया कहते हैं कि तुम माया जाल में फंस गए थे। भाई तुम युवती की तरफ आकर्षित हुए, विवाह हुआ, बच्चे में सबसे तुम्हारा लगाव बढ़ता गया और जब वो तुमसे दूर हुए तुम्हें कष्ट हुआ, यही माया है। तो माया को समझाने के लिए इतना इतना घटनाक्रम श्री कृष्ण भगवान को करना। ठीक है बेटा, तो आप लोग भी समझ गए होंगे माया क्या है। ठीक है ना।